और अब बात करेंगे मराठवाड़े की राजनीति से। यहां पर एनडीए के दो बड़े सहयोगी आमने सामने आते दिख रहे हैं। बात बीजेपी और शिवसेना की जा रही है, जिनके बीच विधानसभा चुनाव के लिए सीट शेयरिंग पर बात नहीं बन पा रही है। शिवसेना 50-50 सीट शेयरिंग का फॉर्मूला लगा तो रही है, तो वहीं बीजेपी की ओर से शिवसेना की इस मांग को गंभीरता से लिया ही नहीं जा रहा है। यहाँ बीजेपी सूत्र ये भी बता रहे हैं कि शिवसेना को बीजेपी 120 सीटें देने पर राजी है। ऐसे में अगर इस बात में दम है तो सवाल ये उठने लगे हैं कि कहीं 2014 के चुनाव की तरह इस बार भी दोनों दल जुदा होकर अलग अलग चुनाव लड़ेंगे, और क्या बाद में जैसे पहले एकजुट हो गए वो फिर देखने को मिलेगा क्या? एक बार फिर से दो सहयोगियों के बीच तल्खियां और खींचतान बढ़ती दिख रही है। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव होने हैं और ऐसे में इससे ठीक पहले एनडीए के दो सहयोगी दलों बीजेपी और शिवसेना के बीच सीट शेयरिंग पर बात नहीं बन पा रही। शिवसेना की ओर से साफ तौर से जता दिया गया है विधानसभा चुनाव के लिए गठबंधन की शर्त सीट शेयरिंग का 50-50 फॉर्मूला ही हो सकता है। शिवसेना नेता दिवाकर राउत की ओर से जो बयान दिया गया उस पर पार्टी के तमाम बड़े नेताओं ने अपनी हामी भरी है। राउत ने सीधे सीधे कह दिया है कि अगर बीजेपी सीटों के बंटवारे के लिए 50-50 की बात नहीं मानती तो गठबंधन टूट भी सकता है। हालांकि इस करारे बयान के बाद शिवसेना के वरिष्ठ नेता संजय राउत ने बात को संभालने की भी कोशिश की। उन्होंने कहा कि अमित शाह और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की मौजूदगी में 50-50 फॉर्मूला जो तय हुआ था, बीजेपी को उसका सम्मान करना ही होगा। हालांकि उन्होंने साथ ही ये भी साफ किया कि उनकी बात का ये मतलब बिल्कुल भी ना निकाला जाए कि वो गठबंधन तोड़ने की बात कह रहे हैं। दिवाकर राउते ने जो कहा है, दिवाकर राउते महाराष्ट्र के कैबिनेट में वरिष्ठ मंत्री है, हमारे वरिष्ठ सहयोगी भी है। दिवाकर राउते ने जो बात कही है मैं मानता हूँ उसमें गलत क्या है। मैं युति टूटने की बात नहीं कर रहा हूँ। अगर अमित शाह जी के सामने, मुख्यमंत्री जी के सामने 50-50 का फॉर्मूला तय हुआ है तो दिवाकर रावते जी का बयान मुझे लगता है कुछ न कोई गलत नहीं है। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव से पहले एनडीए के दो सहयोगी दलों बीजेपी और शिवसेना के बीच सीटों को लेकर खींचतान बढ़ती जा रही है। चुनाव नजदीक है और यहां चुनाव आयोग कभी भी चुनाव का ऐलान कर सकती है। इस बीच शिवसेना की ओर से जिस तरह का रुख अख्तियार किया गया उसने सहयोगी दल बीजेपी के माथे पर शिकन ला दी। महाराष्ट्र में विधानसभा की कुल 228 सीटें हैं, जिनमें से शिवसेना आधी यानी 144 सीटों पर चुनाव लड़ने की बात पर अड़ी हुई है, जबकि बीजेपी सूत्रों की माने तो वो शिवसेना को 120 से ज्यादा सीटें देने के लिए राजी नहीं है। इस बीच शिवसेना से जुड़े सूत्र ये भी बता रहे हैं कि वो बीजेपी के साथ 135-135 सीटें बांटने के लिए भी राजी हो सकती है, यानी बाकी 18 सीटें वो महाराष्ट्र में अन्य सहयोगी दलों के लिए छोड़ना चाहती है, जिस पर अब तक बीजेपी की ओर से कोई सकारात्मक रुख नहीं दिखाया गया। महाराष्ट्र में बीजेपी के इस रुख को देखते हुए शिवसेना नेताओं ने बीजेपी को यह भी याद दिलाने की कोशिश की कि साल के शुरुआत में फरवरी महीने में ही गठबंधन की घोषणा से पहले शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के बीच महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में बराबर सीटों पर लड़ने की सहमति बनी थी, लेकिन शायद बीजेपी महाराष्ट्र में तमाम सियासी समीकरणों को साधते हुए आगे बढ़ना चाहती है। साल 2014 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी शिवसेना का गठबंधन टूट गया था। उस दौरान बीजेपी ने 260 सीटों पर चुनाव लड़ा था और बीजेपी को 122 सीटों पर जीत हासिल हुई थी, जबकि शिवसेना ने 260 सीटों पर चुनाव लड़ा था और उसे महज 63 सीटें ही हासिल हो पाई थी। जाहिर है 2014 के चुनाव में अलग अलग चुनाव लड़ने पर बीजेपी का प्रदर्शन शिवसेना के मुकाबले कहीं बेहतर था। पार्टी सूत्रों की माने तो महाराष्ट्र को लेकर बीजेपी के थिंक टैंक ये मानकर चल रहे हैं कि इन सालों में महाराष्ट्र में बीजेपी का जनाधार पहले से कहीं मजबूत हुआ है, साथ ही लोकसभा चुनाव में बढ़ा उसका वोट शेयर भी बीजेपी को महाराष्ट्र में सीटों के बंटवारे से पहले विचार करने को मजबूर कर रहा है। हालांकि शिवसेना को बीजेपी के इस विचार से कोई इत्तेफाक नहीं है, क्योंकि उसकी ओर से दो टूक कह दिया गया कि वो महाराष्ट्र में बीजेपी के साथ गठबंधन के लिए आधी सीटों की दावेदारी रहेगी। ऐसे में बीजेपी का इस पर क्या रुख रहता है और वो किस तरह से अपनी इच्छा और एक बार फिर से गठबंधन टूटने की संभावनाओं को संभालती है, ये देखना
बेहद दिलचस्प होगा। राजनीति डेस्क, जनता टीवी। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए दबाना न भूलें बेल आइकन और सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल।